जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सभा में हिस्सा ले चुकी बाल पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कुंगजाम हरिहरपुर पहुंची और एक दशक से जारी हसदेव आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भारत की बाल पर्यावरण कार्यकर्ता 11 वर्षीय लिसिप्रिया कुंगजाम हसदेव को बचाने उदयपुर के हरिहरपुर पहुंची और आमजनों के आंदोलन में अपना सहयोग दिया। मूल रूप से मणिपुर की लिसिप्रिया पर्यावरण के प्रति लगातार समर्पित है और विभिन्न देशों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं आंदोलनों में हिस्सा लेती आ रही हैं और इसी के तहत विकास देव आंदोलन का समर्थन करने हरिहरपुर पहुंचे, जहां अडानी एवं राजस्थान पावर कंपनी का विरोध किया जा रहा है। लिसिप्रिया के यहाँ पहुंचने पर उसे सुनने और देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जन हरिहरपुर आंदोलन स्थल पहुंच गए, जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी में मिश्रित अपने भाषण में लिसिप्रिया ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा किया और आमजनों को स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए सचेत किया। पर्यावरण को बिलासपुर से आए पर्यावरण कार्यकर्ता प्रथमेश मिश्रा छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला व प्रदीप वाजपेयी और बीआर कौशिक के साथ स्थानीय लोगों ने भी संबोधित किया। सबको नमस्ते, मेरा नाम लिसिप्रिया कुंगजाम है। मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और आज मैं हसदेव में आई हूँ, जिससे मैं हसदेव जंगल को मैं बचा सकूँ, जिससे मैं सपोर्ट कर सकूँ जो इंडिजिनस पीपल है, जो आदिवासी लोग हैं, जो लड़ रहे हैं अंडानी के मिशन से, जो माइनिंग कर रहे हैं, जो वो पेड़ काट रहे हैं, वो डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप सब मुझे सपोर्ट करिए, आप सब वो इंडिजिनस पीपल को सपोर्ट करिए, वो आदिवासी लोगों के साथ, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बहुत सारे जानवर अपने हैबिटेट को लूज़ करेंगे, अपने घर को लूज़ करेंगे और बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को खो देंगे, अपने जैसे घर को खो देंगे और अपने बच्चे के भविष्य को भी खो देंगे। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, उन्हें भी सपोर्ट करो और हम अगेंस्ट रहेंगे अंडानी के मिशन पर, और जो भी वो कुछ करेंगे हम उनके अगेंस्ट रहेंगे और हम फाइट करेंगे अंटिल हमें ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, जब तक ये सक्सेसफुल होगा, ये सफलता मिलेगी हमें। थैंक यू। इंडियन न्यूज़ के लिए महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट।